हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्षप्रीत कौर और ये है वीडियो नंबर 16 ऑफ द सीरीज हिस्ट्री क्लास 11th। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर नंबर 4, द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लर्निंग एंड कल्चर। Now this topic is very big and I have divided it into points so that you can remember all these things very easily. तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि जो लोग हैं जो इस्लाम को जिन्होंने अपने लाइफ में जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बना दिया है अपना रिलीजन बना के, उन लोगों के जो माइंड है उनमें कई सारे क्वेश्चंस आए कि कैसे जो है एक पर्सन है उसका क्या जो परफेक्ट बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ये रिलीजन के बारे में ज्यादा जानने की जो है बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर आ गई। तो क्या हुआ कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे इन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो कंबाइन करनी शुरू करी ताकि लोगों को पता चल पाए उनके क्वेश्चंस के बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स। तो सबसे पहले जो कुरान है और हादिथ है, इन दोनों चीजों से, कुरान क्या है, दिस इज द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स। हादिथ क्या है, हादिथ जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ के बारे में है, वो जो लेसन्स दिया करते थे उसके बारे में है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये ही बताती हैं कि एक पर्सन का जो परफेक्ट कंडक्ट है, परफेक्ट बिहेवियर है, वो कैसा होना चाहिए। उसके बाद आता है शरिया। शरिया है एक बुक ऑफ लॉज है जिसके अंदर बहुत सारे लॉज लिखे गए हैं, ज्यादातर पर्सनल मैटर्स के ऊपर लिखे गए हैं, जैसे मैरिज के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर एटसेट्रा। नेक्स्ट जो चीज थी जो रिलीजियस स्कॉलर्स ने बनाई वो थी कियास, जिसका मतलब है अपना लॉजिक यूज करके, अपनी रीजनिंग यूज करके एक पर्टिकुलर जो है बताना कि किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। अब जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी, इसकी वजह से जो कुरान है और हादिथ है उनमें कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिल पाता था। तो जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उन्होंने एक कियास बनाई, मतलब कि रीजनिंग को यूज करके एक जो है डॉक्यूमेंट बनाया जिनके अंदर सब कुछ लिखा गया ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिक। देन अब क्या हुआ, ये जो सारी चीजें हैं इनके इंटरप्रिटेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हुई, इसकी वजह से चार मजहब निकले जो हैं कि फोर स्कूल्स ऑफ लॉ, कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग रखने वाले फोर टाइप के जो है कम्युनिटीज निकली, जैसे कि मालिकी, हनाफी, शाफी, हानाबली। तो जो हानाबली है वो सबसे ज्यादा जो है कंजर्वेटिव है, पुराने ख्यालात वाली है। अब ये जो शरिया है इसके बारे में थोड़ी और डीप नॉलेज देखते हैं कि ये क्या है, पर्सनल मैटर्स के ऊपर ज्यादा जो है बेस्ड है, जैसे कि मैरिज के ऊपर, डाइवोर्स के ऊपर, इनहेरिटेंस ऑफ लैंड के ऊपर जो है इसमें बहुत सारी बातें हैं। नेक्स्ट चीज हमें बताई गई है कि शरिया जो है वो कई बार उसे इग्नोर भी कर दिया जाता था, क्योंकि कई ऐसे कस्टमरी लॉज होते हैं, मतलब कि बहुत हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो बहुत लंबे पीरियड से चले आ रहे हैं, वैसे ही फॉलो किया जा रहा है, जैसे इनहेरिटेंस जो है वो गर्ल्स को कितनी देनी है, ये सारे इश्यूज जो है वो बहुत पहले से चल रहे हैं। तो शरिया में जो लिखा है कि जो गर्ल्स हैं उन्हें बहुत मतलब अच्छा पार्ट जो है वो फादर के लैंड का मिलना चाहिए, उसे कई बार बाईपास कर देते हैं ये कस्टमरी लॉज। उसके बाद बताया है कि जो काजी है, मतलब जज हैं वहां के, वो जो है कई जैसे लड़ाइयां होती थी वहां पे, कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम को सुलझाने का काम करते थे, पर शरिया को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली जो है इम्प्लीमेंट करने का काम नहीं करते थे। नेक्स्ट जो चीज है अंडर द टॉपिक लर्निंग एंड कल्चर, हमने सबसे पहले पढ़ा कि रिलीजियस स्कॉलर्स ने कैसे कैसे हमें बहुत सारे सोर्सेज दिए टू नो अबाउट द डीप क्वेश्चंस, फिर हमने शरिया को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अबाउट सूफीज। क्या हुआ कि जो इस्लाम है, इस्लाम के जो लोग हैं वो क्या है कि ब्लाइंडली फॉलो करने लगे सारी जो चीजें हैं, जितने भी हमारे पास रिचुअल्स हैं उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करने लगे। तो क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ पीपल बाहर निकल के आया फ्रॉम इस्लाम, थे ये भी मुस्लिम्स, इनका नाम है सूफीज।
ये कहते हैं कि हम कुछ भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करते, बट हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं। हम गॉड को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो है जानते हैं। तो इन्होंने जो है वर्ल्ड को त्याग दिया, डिनाउंस कर दिया। देन ये एस्केटिसिज्म मतलब तपस्या में विश्वास रखते हैं, और मिस्टिसिज्म मतलब कि गॉड को पाने के लिए अपने आप को सरेंडर कर देना। तो इन दोनों चीजों को जो है ये बिलीव करते हैं। और बायजिद बिस्तामी जो है वो फर्स्ट सूफी थे जिन्होंने बताया कि जो सोल है वो अगर गॉड के साथ जो है कंबाइन हो जाती है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। इनका नाम है बायजिद बिस्तामी। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बुक्स लिखी गई थी वो जो है अब ट्रांसलेट करी जाने लगी इन अरेबिक। तो जो उमायद एंड अब्बासिद कैलिफ्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो स्कॉलर्स को पैसे दिया करते थे ताकि वो ग्रीक फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन या फिर इंडियन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन के जो बुक्स हैं वो उन्हें ट्रांसलेट कर दे अरेबिक लैंग्वेज में। तो लोग जो हैं इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स की बुक पढ़ने की उन्हें उनके अंदर एबिलिटी आ गई बिकॉज दे नो हाउ टू रीड अरेबिक बट नॉट अदर लैंग्वेजेस। तो अब वो एरिस्टोटल, यूक्लिड, टॉलमी इन सारी की बुक्स पढ़ने में जो है उनका एबिलिटी आ गई। अब नेक्स्ट चीज बताई गई है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आई, उन्हें बहुत नॉलेज आ गई और दे बिगेन टू क्वेश्चन द रिलीजन कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है। तो एक एग्जाम्पल दिया गया है इब्न सीना का, जो कि एक फिलोसोफर थे। उन्होंने बताया कि मैं जो हूँ मैं बिलीव नहीं करता कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट रिसरेक्शन होती है ह्यूमन बॉडी की, मतलब कि ऐसा लास्ट डे आएगा जब पूरा वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक टाइम आएगा कि सारे जितने भी डेड बॉडीज हैं वो दोबारा से जो हैं दे विल बी बैक टू लाइफ और गॉड जो है वो बताएंगे कि यू हैव डन दिस इन योर लाइफ। तो इन्होंने बताया कि मैं बिलीव नहीं करता कि दिस इज नॉट पॉसिबल इन साइंस। तो इन्हें जो है काफी स्कॉलर्स ने इनका स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन किया था कि ये गलत बोल रहे हैं। तो इब्न सीना ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कैनन ऑफ मेडिसिन। इसके अंदर बताया है कि 760 मेडिसिंस जो हैं उस टाइम की उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज अदब। अदब क्या है कि इस्लामिक सोसाइटी के अंदर जो बहुत अच्छी जो लैंग्वेज है और क्रिएटिव थिंकिंग को एक बहुत अच्छी क्वालिटी माना जाता था। तो एक पर्सन जो है एक हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन पे पहुंच जाता था, उस लेवल को अदब बोला जाता था। अदब के अंदर कई पोएट्रीज भी आते थे और प्रोस भी आते थे जो कि मेमोराइज कर लिए जाते थे और टाइम आने पर सही मौका देख के यूज किए जाते थे ताकि अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उन्हें ज्यादा जो है वो बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है ओरिजिन ऑफ अ न्यू लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ईरान को अरब्स ने जो है कैप्चर कर लिया तो जो ईरान की एक लैंग्वेज थी जिसका नाम था पहलावी, उसे जो है बहुत ज्यादा मतलब इसका यूज बहुत कम होने लग गया, इसका बिल्कुल डिके हो गया। अब जो ये पहलावी है इसका एक नया वर्जन निकाला गया जिसका नाम रखा न्यू पर्शियन, राइट। तो न्यू पर्शियन जो है उसे ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। जो रुदाकी हैं, जो सामनित कोट पोएट थे, इन्हें जो बोला जाता है वो है फादर ऑफ न्यू पर्शियन पोएट्री, राइट। अब जो न्यू पर्शियन पोएट्री है वो दो टाइप, इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं। एक आता है गजल और दूसरा आता है रुबाई। गजल जो है वो शॉर्ट पोएम होती है और रुबाई जो है वो फोर स्टैंजा होता है जिसमें फर्स्ट लाइन जो है और सेकेंड लाइन जो है वो दोनों जो है एक बेस क्रिएट कर देते हैं कि व्हाट द पोएट वांट्स टू से। उसके बाद थर्ड जो है एक डीप सी बात, थर्ड लाइन डीप सी बात बोली जाती है। फोर्थ के अंदर एग्जैक्ट पॉइंट जो बोलना होता है वो बोला जाता है। तो उमर खयाम के टाइम पीरियड में जो रुबई है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे थी। उसके बाद आता है गजनी की। गजनी जो है उसने, ये एक सिटी है इन अफगानिस्तान जस्ट राइट ओवर हियर, यहाँ पे गजनी जो है इसका लोकेशन है। तो जो महमूद ऑफ गजनी है इन्होंने क्या करा कि पोएट्स को बुलाना शुरू करा अपनी
अपनी कोर्ट में, मतलब अपने दरबार में, और उन्हें जो है पैट्रनाइज करने शुरू कर दिया, मतलब कि उन्हें पैसा देना शुरू कर दिया। तो सबसे ज्यादा जो फेमस हैं उनका नाम है फिरदाउसी, जिन्होंने 30 ईयर्स के अंदर एक बुक लिखी थी जिसका नाम है शाहनामा। शाहनामा जो है वो एक ऐसी बुक है जिसमें ईरान के बारे में लिखा है कि ईरान जो है जब क्रिएट हुआ और उससे लेके एक टाइम पीरियड तक जब अरब्स ने जो है उसे कैप्चर कर लिया। तो अब तक हमने पढ़ा अबाउट द ट्रांसलेशन इनटू अरेबिक कि कैसे कैसे जो है वो लर्निंग जो है अरब्स की वो बढ़ती गई। अदब के बारे में पढ़ा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी जो है स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है। एक नई लैंग्वेज के बारे में पढ़ा और कैसे कैसे पोएट्स को जो है पैट्रोनाइज करना शुरू कर दिया किंग्स ने। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरीज। स्टोरीज का यूज किया जाता था कि लोगों को मॉरल लेसन्स जो हैं वो दिए जाएं और एक अम्यूजमेंट का जो है वो सोर्स होती थी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कलीला व दिनमा, राइट। ये जो है एक पहलावी, यू हैव रेड, ये एक लैंग्वेज है ईरान की। तो ये पहलावी वर्जन था, पहलावी इसकी लैंग्वेज थी, जो कि पंचतंत्र जैसी ये स्टोरीज हुआ करती थी। इसके अंदर जो है दो लोमड़ियों के बारे में बात की गई है। उसके बाद और टाइप्स कैसी हैं स्टोरीज की, हीरो एडवेंचर्स हुआ करते थे जैसे अलेक्जेंडर किंग का, और सिंधबाद जो एक फिक्शन सेलर है जिसके बारे में बुक्स में लिखा गया है। उसके बाद अनहैप्पी लवर्स के बारे में स्टोरी है जैसे मजनू। फिर जो मामलुक पीरियड था उसमें क्या हुआ, कायरो मैंने आपको बताया था कि काहिरा का इंग्लिश नेम है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि कई ऐसी स्टोरीज जो है ऐड करी गई इन इस्लामिक लिटरेचर, जैसे कि टाइप्स ऑफ पर्सन, कई लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा काइंड होते हैं, कई जो हैं काफी ग्रीडी होते हैं, तो ऐसे और स्टोरीज ऐड करी गई। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री, कि हिस्ट्री जो है स्कॉलर्स पढ़ते थे, स्टूडेंट्स पढ़ते थे, और ऑफिशियल्स और रूलर्स भी पढ़ते थे ताकि उन्हें अपनी अचीवमेंट्स, अपनी डायनेस्टी की अचीवमेंट का पता चले और अच्छी अच्छी टेक्निक्स का पता चले कि कैसे हम अपनी जो सिटी है, अपना जो रीजन है, उसे गवर्न कर सकते हैं। तो जो लोकल हिस्ट्री की शुरुआत हुई वो हुई कि जब कैलिफेट का ब्रेकअप हुआ। ये जो टॉपिक है आई हैव डिस्कस्ड इन वीडियो नंबर 14। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि लोकल हिस्ट्री जो है वो उसकी लिखने की शुरुआत जो है तब हुई जब ब्रेकअप ऑफ कैलिफेट हुआ था। उसके बाद है ज्योग्राफी और ट्रैवल के बारे में कब लिखना शुरू किया। तो जो ग्रीक, इटालियन और इंडियन बुक्स हैं ज्योग्राफी और ट्रैवल के ऊपर, उसका जो है बहुत सारे लोग जो है उन्हें पढ़ते थे। और मैथमेटिकल ज्योग्राफी जो है उसका ओरिजिन हो गया था, जिसके अंडर जो है पूरी अर्थ को 7 क्लाइम्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया था, मतलब 7 जोन्स के अंदर डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स, राइट। तो उसके बाद हमें बताया है अल-बिरूनी जो है वो एक बहुत एक्सेप्शनल केस है, जिन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड को छोड़ के इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा, दूसरों के ट्रेडिशंस के बारे में जानने की कोशिश की। सो वी हैव रेड अबाउट द स्टोरीज, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक इज बेसिक फॉर्म्स ऑफ डिजाइन, कि कैसे जो है मॉस्क्स जो होते थे, मस्जिद जो होते थे, उनका क्या क्या एक बेसिक फॉर्म होता था कि ऐसी चीजें तो होनी ही चाहिए मस्जिद के अंदर। तो एक चीज है ओपन कोर्टयार्ड, बहुत बड़ा जो है वरांडा होता था जहां पे बहुत सारे जो है डिवोटीज जो है वो खड़े हो सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि कब मेरी टर्न आएगी एंड आई विल गो एंड वर्शिप द गॉड, राइट। उसके बाद जो है वो है मिहराब, यह एक निशे, मतलब कि वॉल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता था जो कि था डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ काबा, जो ब्लैक काबा है उनकी डायरेक्शन में बनाया जाता था ताकि जो मुस्लिम्स हैं वो उनकी तरफ जो है अपना फेस करके ही वर्शिप करें। नेक्स्ट चीज है मीनबार। मीनबार एक पल्पिट है, एक बैठने की जगह है जहां पे जो इनके प्रीचर्स हैं, जो इन्हें टीच करते हैं, सर्मन्स देते हैं, वो जो है बैठ के सभी लोगों को जो है लेसन्स दे सकते हैं,
नेक्स्ट है मिनारेट। मिनारेट होती है पिलर्स, मेन मॉस्क के आसपास जो पिलर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज है कि ये तो बता दिया कि ये दोनों चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो ये बताया कि मॉस्क कैसे कैसे होते थे। अब जो अरब्स हैं वो कैसे अपना जो लग्जरी है उसे कैसे डेकोरेट करते थे, वी विल टॉक अबाउट इन द पॉइंट नंबर 12। आर्किटेक्चर फॉर लग्जरी। जो कई किंग्स थे उन्होंने डेजर्ट पैलेसेस बनाने जो है वो शुरू कर दिए थे, जैसे कि जॉर्डन और पैलेस्टाइन में। सी दिस इज जॉर्डन जस्ट अबव सऊदी अरेबिया एंड यहां पे पैलेस्टाइन है। कई पैलेसेस जो रोमन एंड ससानियन आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होते थे वो ज्यादा ही लग्जरियस होते थे। उनके अंदर स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियां, मोज़ेक्स एंड पेंटिंग्स बहुत ज्यादा मतलब अमाउंट में जो है वो होती थी। उसके बाद जो पैलेसेस हैं बगदाद एंड कायरो के अंदर, कई इतने ज्यादा अच्छे सुंदर बनाए थे बट वो आज के टाइम में प्रेजेंट नहीं है और वो सिर्फ लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर ही बचे हैं। अब क्या हुआ कि जैसे कि जो लिविंग बीइंग्स हैं उन्हें रिलीजियस प्लेसेस पे उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं करी जा सकती, बिकॉज जो रिलीजियस प्लेसेस हैं दे आर द पैलेसेस ऑफ द गॉड, वहां पे सिर्फ गॉड रहते हैं और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो दे आर लोअर देन गॉड, दे आर नॉट सुपीरियर देन गॉड। इसकी वजह से जो है रिजेक्शन हो गई कि जो लिविंग बींग्स है उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं हो सकती। इसकी वजह से जो डेकोरेशन है वो दो चीजों से की गई, टू आर्ट फॉर्म्स। फर्स्ट है कैलीग्राफी मतलब सुंदर हैंडराइटिंग से यूज करके जो है डेकोरेट करना। नेक्स्ट है ऑब्स्क्यू। ऑब्स्क्यू का मतलब है डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्रिक शेप्स। नाउ इन दिस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कल्चर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। सबसे हमने पहले पढ़ा कि जो मॉस्क होते हैं वो कैसे कैसे जो है उनके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, देन जो कैसे पैलेसेस होते थे उस टाइम पर और हम कैसे डेकोरेट करते थे डिफरेंट बिल्डिंग्स को। सो इस्लामिक वर्ल्ड का एंड कैसे होता है, इस्लामिक वर्ल्ड को तीन सर्कल्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कम्युनिटी मतलब सारे लोग, रिलीजन मतलब इस्लाम, देन पॉलिटिक्स जितने भी ये किंग्स आए एंड ऑल। तो क्या हुआ एंड के टाइम में ये दोनों चीजें तो हैं कंबाइंड रही, ओवरलैप्ड रही, लोगों ने जो है रिलीजन को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस दी, पर ये जो पॉलिटिक्स का पार्ट था ये बिल्कुल खत्म होना शुरू हो गया। ऐसे जो है इस्लामिक वर्ल्ड जो है वहां पे रिलीजन भी रहा और लोग भी रहे, मुस्लिम्स भी रहे, बट ये जो पॉलिटिक्स है खुद को ही रूल करने का जो तरीका था ये खत्म हो गया था। सो दैट इज इट, दिस वाज द चैप्टर। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम द चैप्टर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।